राजधानी शिमला सहित दली सब्जी मंडी में किसान नियमित तौर पर अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बाहर की मंडियों में मांग कम होने के चलते किसानों को सब्जियों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी। वहीं डली आड़ती एसोसिएशन ने किसानों को फसलों के दाम कम मिलने का कारण बेमौसमी बारिश की वजह से सब्जियों की गुणवत्ता में आई कमी को बताया है। सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमर का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण बाहर की मंडियों में खरीदार कम आ रहे हैं, जिस वजह से सब्जियों की मांग में कमी आई है। इसके अलावा बेमौसमी बारिश का असर सब्जियों की गुणवत्ता में भी पड़ा है। देखिए जी, कोरोना के चलते जो है आगे की मंडियों में लॉकडाउन की वजह से डिमांड कम है, आगे जो है वो खरीदार जो है निकल नहीं रहा इतना मंडियों में, इस करके जो है थोड़ी डिमांड कम आई है इस बार। जी जी, किसान तो यहाँ पे आ ही रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा मौसम का भी थोड़ा इफेक्ट रहा है, जैसे मौसम अनटाइमली बारिश हो रही है, इससे भी क्वालिटी जो है काफ़ी नीचे गिर गई है इसकी, जो यहाँ पे सब्जी जो आ रही है इस वजह से भी रेट्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन आ गई है। सर देखो जी, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे, और प्रशासन की तरफ से जैसे सैनिटाइजेशन वगैरह हो ही रही है, लगभग वीकली समझ लो आप दो बार हो जाती है, और मतलब जो यहाँ पुलिस का भी काफ़ी वो रहता है कि मतलब वार्निंग देते रहते हैं बीच बीच में। फिर आपका जो मास्क है, मास्क का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।